मान्यवर, कृषि पर हम चर्चा करने के लिए सदन में बैठे हुए हैं। कृषि हमारा भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। नाम ही अंग्रेजी में इसका नाम है एग्रीकल्चर। मैं अंग्रेजी को व्याकरण के संधि विच्छेद से, आप ज़्यादा उसमें विद्वान हैं, जब हिंदी के व्याकरण से संधि विच्छेद करता हूँ तो एग्री और कल्चर, तो एक बार मेरे दिमाग में आया एग्रीमेंट ऑफ ऑल कल्चर दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जहाँ सभी संस्कृतियों का समन्वय है वही कृषि है। इसीलिए इस कृषि को केवल किसी दल का न समझना चाहिए, किसी जाति का न समझना चाहिए, किसी धर्म का नहीं समझना चाहिए। बिना रोटी के कुछ नहीं हो सकता। जब हम समाजवादी आंदोलन में थे तो नारा लगाते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। साम्यवादी मांगा करते थे, मांग रहा है हिंदुस्तान लाल किले पर लाल निशान। तो उनको लाल किले पर लाल निशान चाहिए था, मुझे हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था। और तब से ये नारा लगाते आए कि हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा मकान, कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इस नारा को सुन ले। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में हम नारा लगाते थे, बाढ़ सुखाड़ स्थायी निदान का नारा लगाते थे। इतने दिन चलते चलते आए ये कल्पना और सपना लेके कि किसी न किसी दिन हिंदुस्तान के करोड़ों किसान की ये आस पूरी होगी। आज भी इस चैनल को हिंदुस्तान के गांव में बैठ करके लाखों किसान सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। इसलिए मैं सामान्य सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि चाहे कोई बोले, लेकिन केवल सरकार की कमी और नीतियों की आलोचना करने के बनिस्पत सरकार द्वारा चलाई जाई योजनाएं हैं, उन योजनाओं से हिंदुस्तान के लोगों का जो समग्रता में परिवर्तन होने वाला है, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, ये समग्रता में जो परिवर्तन होने वाला है इन नीतियों के कारण, उस पर विस्तार से चिंतन करें, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा। सुरेश जी किसान के चर्चा कर रहे थे। हिंदुस्तान में किसान तीन तरह के हैं, एक है हलधारी, एक है छाताधारी, एक है बंगलाधारी। हिंदुस्तान के अंदर जो लघु सीमांत किसान हैं, लघु सीमांत किसान वो है 60%, लघु किसान है वो है 18%, ये हैं हलधारी। और इनके ऊपर 5-10% किसान है जो है छाताधारी, और हिंदुस्तान के ऊपर 1-2% किसान है जो बंगलाधारी, फार्म हाउस बनाते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, 1-2 एकड़ का फार्म हाउस है। कागज में उसमें दिखाते हैं कि 2 एकड़ का फार्म हाउस आमदनी सालाना में 3 लाख। ऐसे जो किसान है उनको केवल दिखावटी किसान है, बंगलाधारी किसान है। मैं जीवन भर रहा हलधारी किसान, कुछ दिन में बना छाताधारी किसान। छाताधारी किसान वो है जो किसान के साथ मेड़ पर खड़ा रहता है, उसको रोटी ला के देता है, पानी ला के देता है। कभी किसान बीड़ी पीने लगता है या तंबाकू खाने लगता है हल छोड़ के, तो छाताधारी किसान हल चलाने लगता है, कुदारी चलाने लगता है, अपने काम को बंद नहीं होने देता है, वो उसका सहयोगी है, वो है हिंदुस्तान का असली किसान। भारत में जो कृषि क्रांति आई थी, उस कृषि क्रांति का 70 से 90 के दशक में हिंदुस्तान में 20 बरस, अगर सही माने में कहिए तो हिंदुस्तान में अन्न का उत्पादन भी बढ़ा है, और हिंदुस्तान के अंदर जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसका परसेंट भी बढ़ा है उस 20 वर्ष में। वो भारत सरकार के सामने आंकड़े हैं। और हिंदुस्तान के इस कृषि क्रांति करने में किसने सफलता पाई थी, किसके कारण सफलता मिली थी, कभी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं कृषि समिति के स्टैंडिंग कमिटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन इससे पहले 77 से मैं हिंदुस्तान के सभी ICAR के अनुसंधान संस्थानों का भ्रमण किया हूँ। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ICAR का अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र आज भारत में उस तरह से बनाया गया है और आगे बनाया जाना चाहिए, जो हिंदुस्तान के लिए वो कृषि सांस्कृतिक समन्वय का एक केंद्र बने, वहाँ किसान उसको तीर्थ स्थान के जैसे समझे। कितना कितना उनका योगदान है, कृषि वैज्ञानिकों ने कितना किया है। आपके यहाँ इंदौर में जो सोयाबीन का है और गेहूं का अनुसंधान संस्थान है, मैं उसमें गया था घूमने के लिए,
आज बीज की बात लोग करते हैं, ऐसा बीज बना लो, ऐसे बीज बना लो, जैसे लगता है हमारे मिथिलांचल में कहते हैं चट मंगनी पट बिया, कि तुरंत तुरंत बात करो, तुरंत शादी करो, तुरंत बच्चे पैदा करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बीज बनाने में न्यूक्लियर बीज से और सर्टिफाइड बीज बनाने तक में, फार्मर्स बीज तक जाने में वैज्ञानिकों को 10 बरस समय लगता है। 10 बरस में एक नया बीज बना के तैयार करता है और वो बीज तब हिंदुस्तान में क्रांति करता है। पंतनगर से जो बीज निकाला गया, RR21 गेहूं का बीज निकला, या धान के जो बीज निकले थे प्रारंभ में ताइचून से लेके, IRR से लेके, जाया से लेके, ये इतने वैरायटी जो धान के निकलते चले गए, उसके कारण हमारा उत्पादन बढ़ते चला गया। किसान को अगर सही माने में प्रशिक्षण दिया गया होता, प्रसार का काम हुआ होता, किसानों को जानकारी दी गई होती, किसान को आधुनिक यंत्र का, आधुनिक तकनीक का, कृषि विज्ञान की जानकारी दी गई होती, तो आज हिंदुस्तान जहां है, हम जो 2,272,000,000 टन का उत्पादन कर रहे हैं, वो आज हम 300,000,000 टन से ऊपर तक पहुंच गए होते। लेकिन क्यों नहीं हुआ? प्रसार का काम नहीं हुआ, प्रशिक्षण का काम नहीं हुआ। हम मधुबनी में जिस समय मैं यहाँ कृषि मंत्री था, उस समय संजोग से मधुबनी में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूसा ICAR से PhD थे, एग्रीकल्चर से संजोग था। वहाँ हमने प्रयोग किया कि कैसे हम किसानों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हमने ट्रेनर फार्मर्स में से ट्रेनर चुना, प्रशिक्षित किया, गांव के किसानों को ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षित किया, और उसके द्वारा फिर किसानों को प्रशिक्षित कराने लगे। जो हमारा मॉडल बना है बिहार में, नीतीश कुमार ने रोड मैप जो बनाया है एग्रीकल्चर का, उसमें इनको इंट्रोड्यूस किया है कि किसान को किसान से प्रशिक्षित दिलाओ, किसान किसान को समझावे, किसान किसान को पढ़ावे, खग जाने खग ही के भाषा। किसान है वो देसी बोली बोलता है और उनको समझाने के लिए बिलायती भाषा वाले चले जाते हैं, वो क्या समझेगा? उनकी भाषा में समझाओ। लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भोजन, लोक भवन, लोक कला, लोक संस्कृति, तब लोक देव और तब बनेगा लोकतंत्र, नहीं तो ये फर्जी लोकतंत्र चलता रहा है देश में। अब असली लोकतंत्र की स्थापना की ओर हम बढ़ रहे हैं, और वो किसान इसमें हमारा सहयोगी बनेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, सुरेश जी कह रहे थे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, भाई करते थे सो क्या किया, कर क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, अब वो ये पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जो बात हमको पढ़ा रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुते रे, आप इतने दिन तक राज चलाए, क्या ये विद्या बुद्धि नहीं थी? चूंकि आप विरोध में बैठ गए, तो मुझको लगता है उधर बैठने से कुछ बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाता है क्या? हम लोग तो इधर भी बैठे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समग्रता में इसको कर रहे हैं। मैं केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, जब भारत के बजट को पेश करते हुए भारत के वित्त मंत्री ने कहा प्राथमिकताओं का निर्धारण, और उन्होंने प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्या कहा, मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को 10 विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। किसान, हम किसानों की आय को अगले 5 वर्षों में दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरा, ग्रामीण आबादी, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना। ये जो हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग हैं, जो आजाद भारत में उपेक्षित रहे, उपहासित रहे, पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, अब उनके ओर अगर सरकार का ध्यान गया है, श्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण लाना चाहते हैं, सुख लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं, उनके खेत में हरियाली लाना चाहते हैं, चेहरे पर लाली लाना चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो आज भी हिंदुस्तान के कुछ बड़े लोग मानसिकता वाले हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रूपांतरण नहीं हो, हिंदुस्तान की न दिशा बदले, न हिंदुस्तान की दृष्टि बदले, न नेता का संकल्प बदले। नेता होते हैं, नीति होती है और नियत होती है। नेता बहुत बढ़िया हो, बिलायती भाषा बोलने वाला हो, देश विदेश घूमने वाला हो, उसकी नीति भी खूब बखाने, लेकिन नियत अगर खराब हो तो कहीं पर निशाने, कहीं पर निशाना, बात बोलेगा किसी की, काम करेगा किसी की। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सदन से, इस पर गंभीरतापूर्वक सोचे
जब उन्होंने कृषि को प्रथम प्राथमिकता दिया, बजट में प्रथम स्थान दिया, तो ये सब बातें हिंदुस्तान में आई। एक है समस्या, कारण और कारण का निदान। चौधरी चरण सिंह एक किताब लिखे थे, भारत की भयावह अर्थनीति, उसका कारण और निदान। उसमें विस्तार से, व्यापक से उन्होंने चर्चा की थी। और मैं सभी वैज्ञानिकों को भी कहूँगा, कृषि मंत्रालय के लोगों से कहूँगा, अफसरों से कहूँगा कि उस किताब को आप पढ़िए, उससे आपको इसमें रोशनी मिलेगी। समस्या किसने पैदा की? जब जब मैं इन बातों को उठाता हूँ, इसलिए उठाते रहा हूँ कि बार बार कह आपन हेतु भारत के मन रहे न चेतु। हम पीड़ित हैं, इसलिए बार बार इसको उठाते हैं कि किसी का ध्यान इस ओर जाए। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि प्रथम बार भारत के कृषि, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर गया है। हम उस समय से आवाज़ लगाते आ रहे थे, मिथिलांचल में अपनी भाषा में गाते थे, कखन हरब दुख मोर हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावल, सुख सपनहु नहीं भेल हे भोला बाबा, कखन हरब दुख मोर। लेकिन मुझे लगता है कि काशी विश्वनाथ ने मेरे इस गीत को सुन लिया, मेरे मिथिलांचल की दर्द की कहानी को, और कहा कि तुम हमें पुकारते हो, किसी दिन हमारा ही प्रतिनिधि दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो तुम्हारे कष्ट को दूर करेगा। इसीलिए काशी विश्वनाथ के प्रतिनिधि आज हमारे दर्द को सुने हैं और उसका निदान निकालने चले हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 1951 में जब 71.9% किसान थे, तो 2011 में 45.01 हो गए, ये 26.08% किसान मेरा कहाँ चला गया? मैं हर दिन खोजते रहता हूँ, भाई तू किधर गया, आवाज लगाता हूँ, अरे भाई 26% किसान मेरा कहाँ डूब गया, जरा आवाज दो। तो आवाज आती है उसी आंकड़े से कि 1951 में खेतिहर मजदूर 28.1% था, जो बढ़ करके 2011 में 54.09% हो गया, वो 26.08% बढ़ गया। 26.08% किसान हटा, 26.08% खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसलिए हमारी नीति ऐसी रही कि किसान को मजदूर बनाते जाओ, गरीब बनाते जाओ, शहरों में जाओ, और वो भाग के शहर में आया। 1951 में 82.7% गांव में थे, और 2011 में 68.08%, 14% किसान गांव का आदमी चला गया, वही था जो शहर में आया, दिल्ली में आया, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, रिक्शा ठेला चलाता है, आधे पेट खाता है। अगर धन्यवाद देना चाहिए गुरुद्वारा को, जो गुरुद्वारा के लंगर का प्रसाद अगर इन हजारों लोगों को रोज दोनों शाम नहीं मिलता, तो कितने लोग दिल्ली में भूखे रह जाते। किसान के बच्चे सभी जाति के हैं, ये नहीं कि कोई पिछड़े दलित हैं, सभी जाति के हैं। गाँव में वो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, अच्छे परिवार उनके बाप दादा थे, लेकिन दिल्ली में आकर के वो टेम्पो चलाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, कहाँ परिवर्तन किया? उसको बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया है कि हम इस दिशा को कैसे बदले। मैं इस पर आता हूँ कि वो भंडारण की बात कर रहे थे, ग्रामीण गल्ला गोदाम श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चला था, आप भी मंत्री थे उस सरकार में, मैं भी था, और उस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था ग्रामीण गल्ला गोदाम। गांव गांव में गोदाम बना, 33% सब्सिडी, पहाड़ी राज्यों में 50% सब्सिडी। अगर तब से वाजपेयी जी के हटने के बाद से अगर इस कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया होता, तो हिंदुस्तान में करोड़ों मिलियन टन का गोदाम गांव के अंदर बन गया होता, और हमारे अनाज रखने की जो समस्या है वो नहीं रहती, विकेंद्रित व्यवस्था में होती। ये क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए कि गांव गांव में गोदाम बन जाएगा, वहाँ अनाज रखा जाएगा, FCI बंद हो जाएगा, उसके बीच में जो खाने वाले लोग हैं, दो पर चार पार वाले चूहा, वो सब हिंदुस्तान से कहाँ भाग जाएंगे, इनको कौन बचाएगा? ये योजना चली, अगर इनको विकेंद्रित करते, आज भी कहता हूँ इस पर सरकार ने जोर दिया है, अभी भी इस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं कि भंडारण की हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। आखिर जब आज़ाद भारत में हम जब आज़ाद हुए थे, तो उस समय हमारे उत्पादन जो देश के अंदर था 50-51 मिलियन टन, आज बाहर के लगभग 272 मिलियन टन पर हम पहुँचे हैं। इस देश का किसान ही बढ़ाया न, अन्न का उत्पादन, फल का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन,
दूध का उत्पादन, ये सभी मात्रा में समुद्र के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर खोज अनुसंधान उत्पादन, समग्र दिशा में भारत के कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं और ICAR के जो संस्थान के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनको सभी हिंदुस्तान के किसान उनके अनुग्रहित हैं और उनको धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हिंदुस्तान की इस कृषि क्रांति लाने में, भूख हिंदुस्तान जहां आयात पर जिंदा रहता था वहां निर्यात की ओर बढ़ गया, इतना उत्पादन बढ़ाया है, ये उन्हीं के कारण ये सब हमारा बढ़ा है। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, भारत सरकार ने पशुधन के विकास के लिए योजना चलाई है, देसी नस्ल के पशुओं के विकास के लिए योजना चलाई है। हम उस समय कहते थे भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुड़ा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होलेस्टीन फ्रीजियन ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं, लेकिन गाय सब कुछ मेरे यहाँ से चोरी होके गई है। जब मैं कृषि मंत्री था तो इसका मैंने पता लगाया, आंध्र का अंगोल, केरल का बेचूर, गुजरात का गीर, राजस्थान का थारपारकर, साहिबाल, ये हिंदुस्तान की ऐसे नस्ल की गायें हैं कि अगर इनको सही दिशा में आपस में क्रॉस किया गया होता, हिंदुस्तानी नस्लों को संकरित करके और संस्कारित करके एक नए नस्ल पैदा किया कर दिए होते तो आज हिंदुस्तान में एक अलग कृषि क्रांति होती और हिंदुस्तान के किसानों के घर में अलग तरह से खुशहाली आ जाती। लेकिन नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आप विदेश आश्रित थे, हम स्वदेश आश्रित हैं। आप विदेशी को बढ़ाना चाहते थे, हम स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं। आप पश्चिमी संस्कार वाले थे, हम भारतीय संस्कार वाले हैं। आप पश्चिमी रास्ता को अपनाते थे, हम भारतीय रास्ता के अपनाने वाले हैं। हमारे और आप में बुनियादी अंतर है, मानसिकता में अंतर है, विचार में अंतर है, चरित्र में अंतर है, व्यवहार में अंतर है, हमारे आप में आकाश पाताल का अंतर है। आप पश्चिम की ओर भागने वाले हैं, हम पूरब दिशा में चलने वाले हैं, इसलिए हमारे आप में कभी समन्वय हो नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के सरकार ने इसकी ओर कदम उठाया है। हम फिर ज़्यादा समय नहीं लेके केवल आपसे प्रार्थना करूँगा, कृषि विज्ञान केंद्र है हिंदुस्तान में 648 कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग और भी बढ़ने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? कहीं कृषि विज्ञान केंद्र में जमीन है तो चार दिवाली नहीं है, कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है तो वैज्ञानिकों के लिए मकान नहीं है, कहीं है तो प्रयोगशाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान केंद्र, महिला उसकी प्रभारी, मैं गया था उसमें कार्यक्रम का उद्घाटन करने, अध्यक्ष महोदय, और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया जब मैंने कहा कि यहाँ कहीं टॉयलेट है, तो कहीं नहीं है, एक है। मैं उसमें गया तो मुझे लगा कि वोमिटिंग हो जाएगा। मैं तुरंत आई, कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा और ICAR के महापात्रा जी जो DG हैं उनको मैंने फोन किया कि साहब कैसी दुर्दशा है, आप उन कृषि विज्ञान केंद्रों को सांस्कृतिक स्थल तीर्थस्थल जैसे बनाते तो बना दिए होते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की सरकार को कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी परीक्षण का लाभ देने का काम किया है, कृषि कौशल विकास का काम किया है, कृषि पर जो आधारित तो लोग हैं, नौजवान हैं, वो विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे, कृषि के परंपरागत ज्ञान का, कृषि के परंपरागत अनुभव का, कृषि के परंपरागत तकनीक का, कृषि के परंपरागत सब कुछ का वो प्रशिक्षण पाएंगे, उनको उसका कौशल दिया जाएगा और वहाँ वो उस ट्रेनिंग पा करके फिर नए भारत के निर्माण में निकलेंगे, गाँव में बसेंगे, खेती में लगेंगे और नई पीढ़ी खेती से भाग रही है उस समस्या का समाधान निकलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, इन्होंने एक योजना चला दी मनरेगा। साहब मैं किसान हूं, केरल गया, तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया, आंध्र गया, बंगाल गया, असम गया, सब जगह गया और मैंने किसानों के प्रतिनिधि को बुला बुला के बात की, आपकी क्या समस्या है? सबसे किसान प्रतिनिधि केवल एक बात कहता था कि साहब आप हमारा उद्धार चाहते हैं तो इस मनरेगा से मुक्ति दिला दीजिए। हम कहा क्यों? तो कहाँ ये फालतू में काम धाम करता नहीं है, मुफ्त का डुप्लीकेट बिल बना के सब खाता है, हमको मजदूर नहीं मिलता है। रघुवंश सिंह जब ग्रामीण विकास मंत्री थे उन्होंने इस पर चर्चा की कि एक योजना का स्वरूप बनाया था कि मनरेगा से, मैं कहता हूँ जो 200 रुपया कि पौने 200 रुपया रोज देते हैं
वो 200-250 रुपया रोज किसान को दे दीजिए खेत के मजदूरी के मजदूर के लिए, और बाकी जो 100-150 लगेगा वो अपना घर से मिलेगा, आप दीजिए उनको मनरेगा वाला, बाकी डिफरेंस वो 300-400-500 लगता है सो उसमें मिला करके वही देगा, हिंदुस्तान के सब मजदूर को काम मिलते रहेगा। काम देंगे हम, गाँव गाँव में रोजगार देंगे हम, और हमको क्या बनाया गया, हमारे बेटे पढ़े लिखे पेंट वाले पतलून वाले मोबाइल वाले, अब उनको कहते हैं कुदाल उठाओ टोकरी उठाओ मिट्टी खोदो यहाँ से वहाँ फेंको, हमारे बच्चे को आप इतना हीन भाव से समझते हैं, पर आपके बच्चे काबिल बने विद्वान बने, अब मेरे बच्चे कुदाल और टोकरी लेके सर पर मिट्टी खोदे, कहाँ डम्फर का जुगाया, कहाँ जेसीबी का जुगाया, कहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली का जुगाया, कहाँ हिंदुस्तान इसरो वाले एक ही सैटेलाइट से 104 छोड़ रहे हैं स्पेस में अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, कम कहाँ चले गए, और ये कहते हैं तुम कुदाल उठाओ सर पर टोकरी रखो मिट्टी खोदो उस मिट्टी को फेंको। हिंदुस्तान के अंदर कृषि क्रांति आई है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी कहना चाहूँगा कि आप ग्रामीण विकास वाले से बात करिए, हमारे कृषि क्रांति आई है, पहले हल बैल से खेती करते थे तब कच्ची सड़क से काम चलती थी, अब ट्रैक्टर है पावर टिलर है थ्रेसर है हमारे पास में कंबाइंड मशीन है, ये सारे चलते हैं खेत तक, और हम कहते हैं खेत को पक्की बनाओ पीसीसी बनाओ जिससे किसान को दिक्कत नहीं हो, हर खेत तक हमारे कृषि यंत्र चले जाएं और हर खेत में फसल काटे और तुरंत पंजाब के जैसे हरियाणा के जैसे मंडी में पहुँचा दे, ऐसे बनेंगे कब, जब मनरेगा के सारे पैसे से कुछ नहीं करते केवल मेरे गांव के सब सड़कों को पीसीसी बना दिए होते, हर गांव से गांव को जोड़ करके पीसीसी बना दिए होते तो भारत का कायाकल्प हो जाता, इसलिए कि दृष्टि ग्रामीण नहीं थी दृष्टि किसान वाली नहीं थी इसलिए वो सुर नहीं गए। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चली उससे किसानों में क्रांति आई, हमारे आपके समय में ही श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना को शुरुआत किया था, उसे किसानों को यंत्र मिलने लगे कृषि की सामग्री मिलने लगी उपकरण मिलने लगा उसमें चलने लगा, बाद में चल के इनके राज में वो चाइनीज पावर टिलर मंगा मंगा करके 60,000 का पावर टिलर 175,000 में किसानों को बिकवाने लगे। मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों ने इसी ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने कमेटी बनाई है, ICR के DGG सुंदरम साहब इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं और उनको अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दे रहे हैं, मैं कृषि मंत्री जी से मांग करूंगा कि उनके रिपोर्ट की दिशा में भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए इस पर सोचना चाहिए। यह कृषि विकास योजना से कितना हुआ, कृषि सिंचाई योजना सब मिलकर के आएंगे कहेंगे इतने आंकड़े देंगे, मैं ये कृषि विकास सिंचाई योजना अमल में लाता है कौन, भारत सरकार पैसा देती है, कार्यकारी एजेंसी है राज्य सरकार, भारत सरकार की फसल बीमा योजना है, बिहार की सरकार टाल मटोल करती रही लाख बहाने करती रही नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश में कृषि ये बीमा योजना सही ढंग से चालू नहीं हुआ किसानों को लाभ नहीं मिला, बिहार में पाछे चला उतना लाभ नहीं मिला, तो ये फसल बीमा योजना लागू करेगी बिहार राज्य सरकार, एजेंसी चुनेगी राज्य सरकार, हिस्सा अपना देगी राज्य सरकार, हम अपना हिस्सा देंगे, भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उसमें जो किसान को लगता था किस्त वो किस्त की दर इतना कम है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कोई दे सकता है, हमारे पास में आंकड़े हैं उसमें जितने भी किसी भी फसल बीमा योजना है उसमें बंगाल में ज्यादा हुआ, मैं कारण पूछा तो बंगाल की सरकार ने किसान का जो किस्त है 2%-1.5% उसने सरकार ने अपने तरफ से जमा कर दिया, इसलिए वहाँ की फसल बीमा योजना ज्यादा लागू हुई। इसलिए आपसे कहूँगा कि राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये हमारी सिंचाई योजना है, ये सिंचाई योजना पर क्या ध्यान दिए, पश्चिमी कोसी नहर बिहार में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शिलान्यास किया, साहब जवाहरलाल जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, कौन कौन साहब आए गए, नरसिंहा राव गए, मनमोहन जी गए, आते गए गाते गए, और आज तक कुछ योजना यूं की यूं खड़ी है, मेरी खेत चली गई उसमें नहर बना दिया, न जमीन में पानी आता है न हमारी खेत में फसल पैदा होती है, मार के रख दिया इतने दिन से, लेकिन इन्होंने कई करोड़ रुपया दिया है भारत सरकार ने
पुरानी योजना को लंबी योजनाओं को पूरा करने के लिए इनकी दृष्टि है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर सभी छोटी छोटी नहरों को खुदाई कर दी गई होती, मृत नदियों की खुदाई कर दी गई होती और गुजरात के जैसे अगर हजारों चेक डैम छोटे बड़े बना दिए गए होते तो हिंदुस्तान के खेत खेत में पानी पहुंच गया होता। इस पैसा में क्यों नहीं लगाए? क्योंकि उस ओर दृष्टि नहीं गई। अब श्रीमान नरेंद्र मोदी आए हैं, गुजरात में जो उन्होंने बनाया था उसी तरह हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। छोटे छोटे चेक डैम बनाओ, सभी पुरानी नहरों को खुदाई कर दो, पोखरा तालाब की खुदाई कर दो, निजी तालाबों को भी खुदाई कराओ, पानी का स्टोरेज बनाओ, उसका संचयन करो, संग्रह करो, वितरण करो। सारे कुछ अगर वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो हिंदुस्तान में तरक्की होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हर खेत में पानी, पानी हर खेत में, हर जात को पानी। मैं जब कभी बोलता हूँ तो कहता हूँ हर खेत को पानी, जिसकी जितनी संख्या उतना पानी, जितना मुसलमान की संख्या उनको खेत में उतना पानी, जितना यादव है उसके खेत में उतना पानी, जिसकी संख्या कम उसके खेत में पानी उतना कम। लेकिन इस देश की दृष्टि अद्भुत है अध्यक्ष महोदय, खाए किसी का और गीत गाए किसी का। ये कब तक देश में ही चलेगी? पहले नागरिकों में ईमानदारी आवे कि भारत सरकार की ये योजना है, ये समग्रता में योजना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हर खेत को पानी, हर हाथ के काम ये मिलेगा। आखिर में मैं कहूंगा, जब हमारे किसान के बेटे को भरपेट अन्न मिलेगा, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, दूध मिलेगा, अंडा मिलेगा, अंडा की संख्या बढ़ी है, अब हर 6 साल में 66 अंडा आदमी को खाने के लिए मिल रहा है। वो अंडा का उत्पादन बढ़ा है, मछली का उत्पादन बढ़ा है, सब्जी का उत्पादन बढ़ा है। मेरा गाँव उतना संपन्न नहीं है, लेकिन मेरे गांव में जहां पूरे गांव में लोग 12-15 किलो सब्जी खाते होंगे अध्यक्ष जी, तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आज मेरे गांव में 10 क्विंटल सब्जी रोज बिकती है। मैंने पूछा कि भाई इतनी सब्जी कैसे खा रहे, तो कहा लोगों के आपस में खुशहाली आई है। और नीतीश कुमार को धन्यवाद जो उन्होंने शराब की बंदी कर दी, अब पैसा उधर नहीं फूक करके खूब सब्जी खा रहा है, खूब दूध पी रहा है, और इस तरह उनकी घर की उन्नति बढ़ रही है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अन्य हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना है तो उन वैज्ञानिकों ने फल का उत्पादन बढ़ाया है, मछली के नए किस्म निकाले हैं, फल के नए किस्म निकाले हैं, सब्जियों के नए किस्म निकाले हैं, अधिक उत्पादन देने वाले निकाले हैं, गुणवत्ता वाले निकाले हैं, उनका प्रसंस्करण ठीक से हो उसका निकाला है। एक साल में नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी को मैं हिंदुस्तान के गाँव गरीब किसान मजदूर से कहूँगा कि तुम 1 साल 2 साल नहीं, 2024 का चुनाव आएगा तब 2024 तक नरेंद्र मोदी को जिताते जाओ, तब देख लेगा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे एक नंबर देश बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। क्योंकि नेता सही है, नीति सही है, और सबसे बड़ी बात की नीयत भी सही है। अब नेता सही है, नीति सही है, नीयत भी सही है। हे किसान, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसी नीयत वैसा फल, आपकी जैसी नियत थी वैसा आपने पाया, हमारी जैसी नियत है वैसी हमारी नियति बन रही है। आप क्यों घबराते हैं कि हमने क्या कमाल किया है? अभी क्या देखे हो, उत्तर प्रदेश तो एक टेलर है। आने वाली चिंता करो कि 2019 में जब संपूर्ण भारत में ऐसे ही महाक्रांति आएगी, तब आप देख लेना कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। आप उन गरीबों की पीड़ा नहीं समझते हो, बात नहीं समझते हो, भावना नहीं समझते हो, उनका दुख दूर करना नहीं चाहते हो, इसलिए आपकी ये गति हुई है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा, सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूँगा, बदलो, अपने को बदलो, रूपांतरित करो, समाज के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार रूपांतरित करो, और हिंदुस्तान के किसान के लिए जितनी योजनाएँ इसमें लिखी हुई है मैं पढ़ने लगूंगा तो 2 घंटा से कम नहीं लगेगा। इतनी योजनाएं हैं और सब योजनाओं का मूल्यांकन मैं करता हूं, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस दिन ये सारी योजनाएं लागू हो जाएगी तब कैसा देश बनेगा। तो मुझे लगता है योगी अरविंद का सपना पूरा होगा कि उस दिन धरती का स्वर्गीकरण हो जाएगा, भारत का स्वर्गीकरण होगा। विवेकानंद का सपना अधूरा था, वो पूरा हो रहा है। योगी अरविंद का
धरती का स्वर्गीकरण का सपना अगर कभी पूरा होगा तो वो सपना श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पूरा होगा, और जिस दिन गांव गरीब किसान का स्वर्गीकरण होगा, रूपांतरण होगा, उस तरह से भारत सरकार की नीति है। मैं किसान होने के नाते, मेरा पूर्वज किसान, मेरे पिताजी हल चलाए, मैं हल चलाया, भैंस के पीठ पर गीत गाया, और आज मैं इस संसद में हूँ और उस कामना के साथ आया। लोहिया ने कहा था, तुम मेरी राह पर सीधे चलते जाना, याद रखना हुकुमचंद, एक न एक दिन कोई ऐसा पिछड़ा का बेटा आएगा जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन तेरी सभी कामनाएं पूरी होगी। मैं डॉक्टर लोहिया यहीं उधर बैठते थे, उनकी आत्मा से कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी दिन आ करके यहाँ घूमो, देखो, और कहीं त्रुटि हो तो आप सपना में भी कुछ कह दो कि उस दिशा की ओर बढ़े। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, इन तीनों की अभिलाषा थी, चौधरी चरण सिंह की कामना थी, नरेंद्र मोदी उन सब महापुरुषों की कामना को कामयाब करने आया है, रूप देने आया है, साकार करने आया है। इसलिए नरेंद्र मोदी समेत भारत के सभी मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ, और गाँव के गरीब किसान मजदूर जो मेरी बात को टीवी के चैनल पर सुन रहे हैं उनसे कहता हूँ, संभलो, धोखा में मत फंसना, अपनी दिशा वैसे रखना जैसे यूपी में रखे हो, इसी दिशा में बढ़ते जाना, एक न एक दिन हम अपने कामयाबी का झंडा खड़ा के विश्व विजेता बनेंगे। धन्यवाद।